नमस्कार दोस्तों, आपके अपने और इंडिया के नंबर वन स्टॉक मार्केट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी दर्शक मुझे क्वेरी भेजते हैं, कमेंट करके लिखते हैं कि आप हमें कोई ऐसा तरीका बताइए जिसके अंदर हम बिना किसी एनालिसिस की सहायता से हम किसी एक अच्छे स्टॉक का चयन कर सकें। दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी दर्शक जो हैं वो एनालिसिस के अंदर कम्फर्टेबल नहीं होते या वो उसको नहीं कर पाते कुछ कारणों की वजह से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी तरकीब बताऊँगा, एक ऐसी टेक्निक बताऊँगा जिसकी सहायता से आप बिना किसी एनालिसिस के बहुत आसानी से कुछ मिनटों के अंदर बहुत अच्छे स्टॉक का चयन कर सकते हैं अपने निवेश के लिए। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, यहाँ मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन के लिए आपको एक स्मार्ट अप्रोच का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जहाँ पे आप किसी दूसरे के एनालिसिस का इस्तेमाल करेंगे अपनी स्टॉक सिलेक्शन में। तो आप वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, कि जो बेस्ट म्यूचुअल फंड है किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में, तो मान लीजिए मैं किसी स्मॉल कैप स्टॉक के अंदर निवेश करना चाहता हूँ, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस स्टॉक के अंदर निवेश करूँ क्योंकि बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो वहाँ मैं क्या करूँगा दोस्तों, किसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का चुनाव करूँगा जो कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, और यहां पे जो मेरे निवेश का होराइजन है वही निवेश का होराइजन उस म्यूचुअल फंड का भी होना चाहिए। मतलब मान लीजिए मैं किसी स्टॉक में एक साल के लिए निवेश करना चाहता हूं, तो मैं उस म्यूचुअल फंड की एक साल की परफॉर्मेंस देखूंगा कि एक साल के होराइजन के ऊपर कौन सा म्यूचुअल फंड जो स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है या बेस्ट परफॉर्मिंग है। दोस्तों, यहां पर मैं बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड का चुनाव करूंगा जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी में एक साल के होराइजन के ऊपर जिसने सबसे बढ़िया रिटर्न दिए, और दूसरा क्राइटेरिया मैं इस्तेमाल करूंगा कि वो जो म्यूचुअल फंड है वो हाई अल्फा और लो बीटा होना चाहिए। तो क्योंकि उसका रिटर्न बेस्ट है, हाई अल्फा तो होगा ही होगा पर वहां पे रिस्क भी कम होना चाहिए, तो वो जो म्यूचुअल फंड है वो लो बीटा होना चाहिए। तो दोस्तों, हाई अल्फा और लो बीटा म्यूचुअल फंड्स का चुनाव कैसे करें, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहें तो आप मेरी वीडियो लाइब्रेरी के अंदर जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पे बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड का चुनाव करने के बाद मैं उस म्यूचुअल फंड को, एक वेबसाइट है valuerearchonline.com, वहां पे जाके उस म्यूचुअल फंड के बारे में मैं सर्च करूंगा और वहां पे मुझे उस म्यूचुअल फंड की टॉप होल्डिंग्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। एक्चुअली इस वेबसाइट को यूज करने के पीछे मकसद ये है कि जब आप इस म्यूचुअल फंड के बारे में सर्च करेंगे इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, तो वहां पे आपको दो इंपॉर्टेंट फील्ड्स मिलती हैं जो कि आपको निर्णय लेने में मदद करती हैं कि कौन सा स्टॉक बेस्ट है। तो जैसे मान लीजिए जो स्मॉल कैप के अंदर मैंने बेस्ट म्यूचुअल फंड का चुनाव किया, उसको मैंने सर्च किया इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, वहां पे दोस्तों मुझे दो फील्ड्स मिलेंगी। पहली कि 3 साल के अंदर मैक्सिमम होल्डिंग कितनी थी उस पर्टिकुलर स्टॉक की इस म्यूचुअल फंड में, और 3 साल के अंदर इस पर्टिकुलर स्टॉक की सबसे कम होल्डिंग कितनी थी इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हम म्यूचुअल फंड ए है जो कि एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है और ये बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है, तो मैंने इसको सर्च किया valuerearchonline.com की वेबसाइट के ऊपर। वहाँ पे मैं नीचे एक सेक्शन में जाऊँगा, टॉप होल्डिंग्स करके एक सेक्शन है, वहाँ पे मैं देखूँगा कि इस म्यूचुअल फंड ने किन किन स्टॉक्स के अंदर निवेश किया हुआ है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक स्टॉक वाई है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा होल्डिंग है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की, तो मैं देखूँगा कि इस समय कितनी होल्डिंग है, मान के चलिए इस समय होल्डिंग 4% है, तो वहां पे मैं देखूंगा कि 3 साल के अंदर मैक्सिमम होल्डिंग कितनी थी, तो मान लीजिए 3 साल की मैक्सिमम होल्डिंग 5.5% थी और 3 साल की सबसे कम होल्डिंग 3% थी। तो दोस्तों, यहां पे अब हमें पता लग जाएगा कि जो 3 साल की मैक्सिमम होल्डिंग थी इस समय जो इस म्यूचुअल फंड के अंदर इस स्टॉक की होल्डिंग है वो उससे कम है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये म्यूचुअल फंड इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर अपनी होल्डिंग को कम कर रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक दूसरे नंबर का स्टॉक है स्टॉक जेड, यहाँ पे इस समय इस म्यूचुअल फंड की इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर होल्डिंग 3% है और 3 साल का जो मैक्सिमम होल्डिंग है वो भी 3% है और 3 साल की सबसे कम होल्डिंग 1% है। इसका मतलब ये है कि इस म्यूचुअल फंड ने इस समय जो इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर निवेश किया हुआ है ये मैक्सिमम है अब तक का पिछले 3 साल के अंदर, ये पीक है पिछले 3 साल की। इसका मतलब ये स्टॉक काफी अच्छा है और यहां पे इस फंड ने इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर मैक्सिमम होल्डिंग बना के रखी हुई है।
तो दोस्तों यहाँ से मुझे कुछ अच्छे स्टॉक्स के बारे में पता लगेगा। इस तरीके से अगर मान लीजिए मैं और स्टॉक्स का चयन करना चाहता हूँ स्मॉल कैप में, तो वहाँ पे मैं नंबर 2 और नंबर 3 पे जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी जाके टॉप होल्डिंग्स देखूंगा, और वहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक की 3 साल की मैक्सिमम और 3 साल की मिनिमम होल्डिंग देखूंगा, और इस समय उसकी क्या होल्डिंग है उस म्यूचुअल फंड की उस पर्टिकुलर स्टॉक में, उसकी सहायता से मैं एक बहुत अच्छे स्टॉक का चुनाव कर सकता हूँ। तो यही दोस्तों जो बातें मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताई है उसको मैं आपको प्रैक्टिकल स्क्रीन के ऊपर चल के दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से एक बहुत अच्छे स्टॉक का बहुत आसानी से कुछ मिनटों के अंदर चयन कर सकते हैं सिर्फ आप म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर। तो आइए चलते हैं मेरी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे बेस्ट म्यूचुअल फंड को फाइंड आउट करने के लिए हम क्राइसिल की वेबसाइट पे जाएंगे, और ये मैं आपको अपने एक पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि म्यूचुअल फंड रैंकिंग के लिए मैं क्राइसिल के ऊपर ज़्यादा भरोसा करता हूँ। तो यहाँ म्यूचुअल फंड रैंकिंग वाले पेज के ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं आप जिस भी कैटेगरी में निवेश करना चाहते हैं। तो जैसा कि हमने वीडियो में एग्जांपल लिया कि हम किसी स्मॉल कैप स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे स्मॉल एंड मिड कैप इक्विटी स्कीम को सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे जो बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे हम एक एक करके चेक करते हैं कि हम यहाँ पे स्टॉक का चयन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला फंड है LNT एमर्जिंग बिजनेसेस फंड। तो valuerisearchonline.com पे अगर आप आएंगे तो यहाँ ऊपर सर्च कॉलम में आप उस म्यूचुअल फंड का नाम एंटर कर सकते हैं। तो आपने एंटर किया तो ये म्यूचुअल फंड आपको यहाँ दिख रहा है, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब दोस्तों अगर आप नीचे आएंगे इस पेज के ऊपर तो यहाँ पे आपको टॉप होल्डिंग्स दिखेंगी, और जैसा कि मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे 3 ईयर हाई और 3 ईयर लो जो होल्डिंग है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर इस स्टॉक की आपको ये देखनी है, और ये जो दिखा रहा है ये आपको करंट होल्डिंग दिखा रहा है परसेंटेज एसेट्स के अंदर। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ये शोभा का स्टॉक है इसकी 3 ईयर हाई होल्डिंग है 2.6%, 3 ईयर लो है 0%, और इस समय जो इस म्यूचुअल फंड के अंदर इस स्टॉक का कंट्रीब्यूशन है 2.6%। तो दोस्तों ये स्टॉक हमारी शॉर्ट लिस्ट में आ जाएगा, क्योंकि इस समय जो होल्डिंग है इस पर्टिकुलर स्टॉक की इस म्यूचुअल फंड के अंदर वो अपने 3 ईयर हाई के बराबर है। अब दोस्तों यहाँ दूसरा स्टॉक देखते हैं राणे होल्डिंग्स। तो यहाँ पे 3 ईयर हाई होल्डिंग थी 2.43, लेकिन इस समय होल्डिंग है 2.25%। इसका मतलब इस म्यूचुअल फंड ने इस स्टॉक के अंदर अपनी होल्डिंग को कम किया है, तो हम इस स्टॉक को इस समय अपनी शॉर्ट लिस्ट में नहीं लेके आएंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि जो इपका लेबॉरेटरीज है इसकी होल्डिंग भी इस समय अपने पीक के ऊपर है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। 3 ईयर हाई है 2.06% और करंट होल्डिंग भी 2.06% है। और दोस्तों उसके बाद आप और नीचे देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशन लिमिटेड, इसकी करंट होल्डिंग भी 3 ईयर हाई के ऊपर है इस समय इस म्यूचुअल फंड में, और इसके अलावा नौसिल जो है उसकी होल्डिंग भी इस समय 3 ईयर हाई पे है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि कैसे बहुत आसानी से हमने 4 स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की टॉप होल्डिंग में से, और इन 4 स्टॉक्स की जो होल्डिंग है इस समय अपने 3 ईयर हाई पे है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। उसी तरीके से दोस्तों हम एक ये जो दूसरा म्यूचुअल फंड है रिलायंस स्मॉल कैप फंड, तो हम ये देखते हैं कि रिलायंस स्मॉल कैप फंड ने किन किन स्टॉक्स के अंदर निवेश किया हुआ है। तो आप यहाँ पे जब रिलायंस स्मॉल कैप फंड्स की डिटेल फाइंड आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में किन किन स्टॉक्स की हाईएस्ट होल्डिंग है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड है ये केमिकल सेक्टर के ऊपर काफ़ी बुलिश है। इसकी जो टॉप 4 होल्डिंग्स हैं वो 4ों कंपनीज केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दीपक नाइट्राइट ये जो स्टॉक है इसकी 3 ईयर हाई होल्डिंग 2.62% है, और इस समय इसकी इस म्यूचुअल फंड में कंट्रीब्यूशन 2.62% है। तो दोस्तों आप इस स्टॉक का भी शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो नवीन फ्लोराइन इंटरनेशनल है आप देखेंगे कि इसकी 3 ईयर हाई होल्डिंग 4.58% थी, लेकिन इस समय जो होल्डिंग है 2.76% है, तो इसलिए हम इस स्टॉक को इग्नोर कर देंगे। दोस्तों उसके अलावा आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि ITD सीमेंटेशन लिमिटेड इस समय इस स्टॉक की जो होल्डिंग है वो अपने 3 ईयर हाई पे है, तो आप इस स्टॉक को भी शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर 2 स्टॉक्स हमने शॉर्टलिस्ट किए, और इन 2 स्टॉक्स की जो होल्डिंग है वो अपने 3 ईयर
पीक पे है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कि आप कैसे बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है ये किस सेक्टर के ऊपर बुलिश है, इसके अंदर कौन से स्टॉक्स के अंदर जो होल्डिंग है वो मैक्सिमम है इस समय या अपने 3 ईयर पीक पे है। तो इससे आप बहुत आसानी से बहुत अच्छे स्टॉक्स का चयन कर सकते हैं। तो चूंकि ये बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स हैं दोस्तों, और इसके अंदर हम उन्हीं स्टॉक्स का चयन कर रहे हैं जिनकी होल्डिंग इस समय बिल्कुल हाई है या अपने 3 ईयर पीक पे है, तो यहाँ पे हमारी गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे हम जो इस फंड का फंड मैनेजर है, एक तो वो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड को मैनेज कर रहा है और उसने जिन स्टॉक्स का चयन किया हुआ है तो आप मान के चलिए कि वो बहुत सोच समझ के किया होगा, बहुत रिसर्च के बाद किया होगा, और हम उन्हीं स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं जिनकी होल्डिंग इस समय अपने 3 ईयर पीक पे है। तो दोस्तों इस वीडियो की सहायता से मैंने आपको प्रैक्टिकल के द्वारा भी बताया कि आप कैसे बहुत अच्छे स्टॉक्स का चयन कर सकते हैं म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स के द्वारा। और दोस्तों यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कोई अपने आप रिसर्च करने की या एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप एक बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड की सहायता से उसके अंदर कौन कौन से स्टॉक्स की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है और अपनी 3 ईयर पीक पे है, उस डेटा की सहायता से बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी एनालिसिस के बहुत अच्छे स्टॉक्स का चयन कर सकते हैं जो कि आपको अपनी लंबी अवधि के निवेश में बहुत सहायता करेंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब की ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं, उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा, उससे आप सभी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को आप अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर ज़रूर शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी फ्री में स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकें। और यदि आपको इस वीडियो का टॉपिक पसंद आया तो नीचे दिखाए गए लाइक आइकन को आप ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि मुझे पता लगता रहे कि आपको कौन से टॉपिक्स पे वीडियो देखना पसंद है। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि इस वीडियो की शुरुआत में दिखाया गया, आप उसे ज़रूर पढ़ लें। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बनाया है, इसके अंदर मेरी आपको किसी भी तरह से कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक में या सेक्टर में किसी तरह का निवेश करें या बाय सेल या होल्ड की पोजिशन लें। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें, उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी निवेश का निर्णय लें। जिन भी स्टॉक्स की चर्चा मैंने इस वीडियो के अंदर की है वो सिर्फ एक एग्जांपल और रेफरेंस के तौर पे है, आप इस जानकारी का इस्तेमाल केवल अपनी रिसर्च, एनालिसिस और स्टडी के लिए ही करें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।